जरूरी नहीं हमेशा स्नैक्स में आलू की टिक्की या आलू के समोसे ही बनाए जाएं। आज मैं आलू से बनने वाला एक बहुत इजी और टेस्टी स्नैक लाई हूँ, जिसका मैंने नाम रखा है आलू बेमिसाल रोल्स। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर ले और हम आलू बेमिसाल रोल्स बनाना शुरू करते हैं। आलू बेमिसाल रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में दो उबले हुए आलू कद्दूकस कर लें। मैं आलू कद्दूकस करके इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो आलू मैश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैक को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालें 2 चम्मच चावल का आटा, बारीक काटा हुआ 1 प्याज, बारीक काटी हुई 1 हरी मिर्ची, 1/4 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक और स्नैक को चटपटा बनाने के लिए 1/2 चम्मच चाट मसाला डालकर इन सभी को अच्छे से आपस में मिक्स कर दें। आप इसमें अपने पसंद के कोई भी और मसाले ऐड कर सकते हैं। मिक्स करने पर मुझे यहाँ पर चावल का आटा थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें 1.5 चम्मच और चावल का आटा डाल रही हूँ। तो कुल मिलाकर मैंने स्नैक में 3 से 4 चम्मच चावल का आटा डाला है। अब लास्ट में इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दें, ताकि आलू बेमिसाल रोल्स बनाने के लिए मटेरियल स्मूथ हो जाए। आलू बेमिसाल रोल्स को एक अलग ट्विस्ट देने के लिए स्नैक की कोटिंग करने के लिए यहाँ मैं मैगी का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने ली है 1 पैकेट मैगी, जिसे मैं इस तरह प्लास्टिक शीट में डालकर बेलन से चूरा कर लूंगी, ताकि स्नैक की बढ़िया कोटिंग हो सके। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। ये देखिए, स्नैक की कोटिंग करने के लिए हमें मैगी के इतने छोटे पीसेस करने हैं। कोटिंग करने के लिए पहले मुझे स्लरी तैयार करनी होगी, जिसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच गेहूं का आटा डालें। इसमें मैं डाल रही हूँ मैगी के साथ मिलने वाला 1 पैकेट मैगी मसाला। मैगी मसाले को गेहूं के आटे में अच्छे से मिक्स कर दें। स्लरी बनाने के लिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें और परफेक्ट कंसिस्टेंसी की स्लरी तैयार कर लें। अब स्नैक्स को शेप देने के लिए हाथों पर ऑयल से थोड़ी ग्रीसिंग कर लें। थोड़ा सा मटेरियल हाथों में लें और इसे इस तरह हाथों से दबाते हुए इसका रोल बना लें। स्नैक को आसान बनाने के लिए मैं इसे इस तरह सबसे आसान शेप का बना रही हूँ। इसी तरह सारे मटेरियल के स्नैक्स बनाकर तैयार कर लें। बताई गई सामग्री से हमारे 12 रोल्स बनकर तैयार होंगे। अब मुझे इन रोल्स की कोटिंग करनी है, जिसके लिए पहले रोल्स को तैयार स्लरी में अच्छे से डिप करें, ताकि इसकी हर तरफ प्रॉपरली स्लरी कोट हो जाए। स्लरी में डिप करने के बाद इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ी हुई मैगी से कोट कर दें। मैगी को भी इसकी हर तरफ अच्छे से कोट कर दें। तो लीजिए, आप देख सकते हैं कि रोल्स के कितने अच्छे से मैगी से कोटिंग हो गई है। इसी तरह सारे रोल्स की स्लरी और मैगी से कोटिंग करके इन्हें फ्राई करने के लिए तैयार कर लें। अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक पैन में थोड़ा ऑयल डालें। स्नैक्स को फ्राई करने के लिए हमेशा ऑयल अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी सेहत को कोई नुकसान ना हो। जब ऑयल गर्म हो जाए, तब इसमें एक एक करके तैयार स्नैक डालें और इन्हें फ्राई कर लें। गैस मैंने मीडियम हाई पर सेट रखी है। तकरीबन 1 मिनट एक तरफ से फ्राई करने के बाद इन्हें पलट दें और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लें। मैगी से कोट करने के कारण इनकी हर बाइट में बढ़िया क्रंच आएगा। इन्हें बारी बारी उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लें। तकरीबन 3-4 मिनट में जब यह गोल्डन ब्राउन कलर की नजर आने लगे, तब यह सर्व करने के लिए तैयार है। इन्हें ऑयल में से निकाल लें, ताकि इनका मैक्सिमम ऑयल ड्रेन हो जाए। अब इन्हें अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लें, ताकि इनका बचा कुचा ऑयल भी अब्सॉर्ब हो जाए। इसी तरह सारे स्नैक्स को ऑयल में डालकर फ्राई कर लें। जब भी घर पर कोई गेट टुगेदर हो या छोटी मोटी पार्टी करनी हो, तो ये आलू बेमिसाल रोल्स बनाकर सर्व करें। ये यकीनन सभी को बहुत पसंद आते हैं। ये बनाने में भी आसान है और चाय के साथ सर्व करने के लिए भी एकदम परफेक्ट है। तो ऐसी ही और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए अभी मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को सब्सक्राइब कर लें।